नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रूबरू इंडिया। रूबरू इंडिया जो आपको कराए हर खबर से रूबरू। खबर है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या जहां कल ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह के हमले को लेकर खबर सामने आई थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह को बीती रात सुबह 4 बजे पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। अभय सिंह के ऊपर ही था हमले का आरोप, पता नहीं। पुलिस अपनी जाँच में सुबह सुबह पहुंची अभय सिंह को करने गिरफ्तार। अभय सिंह को लेकर रवाना भी हुई पुलिस। आपको बता दें कि बीती शाम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उनके गाड़ी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कई राउंड फायरिंग हुई है, कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। इस संबंध में देर रात जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का बयान आया था कि इस संबंध में दो प्रत्याशियों के बीच आपसी झड़प हुई है, समर्थकों के बीच में आपसी झड़प हुई जिसमें ईंट पत्थर चले हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, शीशे टूटे हैं। इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ विरुद्ध वैधानिक व कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद अभी सुबह 4 बजे खबर सामने आई कि देर रात पुलिस ने जाँच के बाद अभय सिंह को ही गिरफ्तार किया है। अभय सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हमला किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक अभय सिंह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी जिनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, वो इस समय जेल में बंद है। विधायकी हाल ही में चली गई थी, फर्जी मार्कशीट को लेकर उनके ऊपर आरोप पंजीकृत हुआ है, जिसके बाद से वो जेल जा रहा हूँ जेल। अब अभय सिंह भी सलाखों के पीछे होंगे। देखना है कि अयोध्या चुनाव, गोसाईगंज विधानसभा का चुनाव अब किस करवट बैठता है। वैसे जेल जाने से पहले, पुलिस के गिरफ्तार जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो भी वायरल है, जिसमें अभय सिंह साफ तौर पर लोगों से ये कहते आ रहे हैं कि गोसाईगंज का चुनाव अब जनता और आपके हवाले, मैं जा रहा हूँ जेल, मुझे जबरदस्ती भेजा जा रहा है जेल। अयोध्या पुलिस पर भी अभय सिंह ने कई गंभीर सवाल उठाए। आप इन्हीं खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू इंडिया। हमारे साथ बने रहिए। क्षेत्रीय व छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।